नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। मैं हूं लूसीफर सिंह। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार हो गया, ऐसी खबरें आप अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में आपत्तिजनक अश्लील मैसेज पाया गया तो आप ही गिरफ्तार हो जाएंगे। खास बात तो ये है, जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। दरअसल सरकार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वो यूजर के निजी जानकारी सरकार के साथ साझा करे, क्योंकि सरकार का मानना है लोग फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट एक दूसरे को सेंड करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियां खास तौर के एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके माध्यम से आप किसी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उसमें जो शब्द आप यूज करते हैं उन शब्दों को IRT डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सर्वे के रिपोर्ट में पता चला है आईफोन और एंड्रॉयड बेस्ड फोन में डाली गई एप्लीकेशन चुपचाप आपकी जानकारी को उनके डेवलपर्स तक पहुंचा रही हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्मार्टफोन्स में डाली गई ज़्यादातर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो यूजर्स की निजी जानकारी स्टोर करती हैं और उसे अपने डेवलपर तक पहुंचा देती हैं। स्मार्टफोन का उपयोग ज़्यादातर लोग इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए करते हैं, लेकिन इस मामले में यूजर्स का रवैया बेहद लापरवाह होता है। बगैर किसी एंटीवायरस के स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना अपने लिए परेशानी मोल लेने जैसा है। यूजर्स को पता होता है वो किन मुसीबतों में पड़ सकते हैं, लेकिन यूजर्स फिर भी एंटीवायरस को नहीं इंस्टॉल करते हैं। वो 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में अपने आप को बड़े साइबर क्राइम के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक लेख, फोटो, वीडियो व्हाट्सएप या फेसबुक पर डालेगा या उसे फॉरवर्ड करेगा तो उसके खिलाफ 505, 153, 295 और 298 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे में नागरिकों को उत्सुकता में कोई पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। पहले उसकी सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। किसी दूसरे जिले, राज्य या देश के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने से पहले जांच लेना चाहिए वह भ्रमित करने वाला तो नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले को ग्रुप से निष्कासित करने के साथ ही पुलिस को सूचना भी देनी चाहिए। अगर ग्रुप एडमिन पुलिस को सूचना नहीं देता तो उसे ही जेल जाना पड़ेगा। खास बात तो ये है, आजकल के युवा फेसबुक और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से व्हाट्सएप लिंक की मदद से लगातार ग्रुपों में जुड़ते हैं। उनको ये तक पता नहीं होता ग्रुप किसका है, किसने बनाया है, उस ग्रुप का मकसद क्या है। बाद में वो साइबर क्राइम के शिकंजे में फंस जाते हैं और उन्हें जेल जाना पड़ता है। हाल ही में राजगढ़ के जुनैद खान को पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड होने के बाद वास्तविक एडमिन ने ग्रुप छोड़ दिया और जब पुलिस की कार्रवाई हुई तो उस समय तक जुनैद एडमिन ही बना था, जिस कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जुनैद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। आपको सारी ऑनलाइन डिवाइसेस को सिक्योरली रखना चाहिए जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सारी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं उनके माध्यम से आपकी निजी जानकारी उन कंपनियों और सरकार तक पहुंचती रहती हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए बीके न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।